और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के शिव भक्त कांवड़िए को लेकर दिए बयान पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने पलटवार किया है और कहा है कि शरद यादव केवल नेता हैं जो नेतागिरी करते हैं। ये लोग धर्म की निंदा के सिवा कुछ नहीं करते हैं, जबकि पुरुष, महिला और बच्चे अपना काम छोड़कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ उठाते हैं। इन लोगों से ही सनातन धर्म आज जिंदा है। आपको बता दें कि शरद यादव ने कहा था कि हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कांवड़ियों की संख्या देश में बेरोजगारी को दर्शाती है। जिस तरह से कांवड़ियों की संख्या बढ़ी है, उससे पता चलता है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाक में दिए बयान का समर्थन भी किया और कहा कि पीएम मोदी नवाज शरीफ की मां को प्रणाम करके वापस आ गए थे, जबकि राजनाथ ने अपनी बात रखी जिससे देश का सम्मान बढ़ा है। ऐसे बहुत से नेता हो गए हैं जिनका कोई काम नहीं, केवल लोगों को भरमाना और धर्म की निंदा करना। बड़े बड़े लोग जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं, सरकारी नौकरी इनकी लगी हुई है, और जो किसान हैं, व्यापारी हैं, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं भी हैं, वो सब काम छोड़ के कांवड़ लेकर भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं। उनके प्रति अपमानजनक शब्द बोलना अनुचित है।